हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मोनिकाज के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक, पुदीना और नींबू का पानी। ये लगभग हर किसी के घर में बनाई जाती है, लेकिन सबका इसको बनाने का तरीका अलग है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैंने ये फ्रेश पुदीना लिया है, नींबू, काला नमक और चीनी। आप चीनी की जगह पाउडर शुगर का यूज़ भी कर सकते हैं, या चीनी को मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करके भी ले सकते हैं। मैंने चीनी को आधे घंटे पहले पानी में रख दिया था मेल्ट होने के लिए। अब मैं एक मिक्सर जार में पुदीने की पत्तियां डालूंगी और इसके जो आगे के डंठल हैं बहुत ही सॉफ्ट हैं तो उनको भी ऐड करूँगी। अब मैं जार में डालूँगी चीनी जो मैंने मेल्ट होने के लिए रखी थी। क्या करूँगी, इसको अच्छे से मिक्सर में अच्छे से मिक्स कर दूँगी, जिससे कि जो चीनी है और पुदीने की पत्तियाँ हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और अच्छे से क्रश हो जाएं। ये देखिए, ये अच्छे से मैंने ग्राइंड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नींबू और जो मैंने काला नमक लिया हुआ था उसको मैंने थोड़े से पानी में घुलने के लिए रख दिया है, क्योंकि जो काला नमक होता है उसके नीचे क्या होते हैं, बड़े बारीक बारीक से पत्थर होते हैं या इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो पानी में क्या होगा, नमक तो मेल्ट हो जाएगा लेकिन जो गंदगी होगी वो नीचे रह जाएगी। ये मैंने जो डाला था पानी उसको मैं डाल दूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी और इसको भी मैं जार में डाल दूँगी। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, ये पूरी गंदगी नीचे रह गई है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस पानी को। आप चाहें तो जो ये पुदीने की पत्तियों को हमने क्रश किया था मिक्सी में अच्छे से चलाया था, आप उसको छान भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही यूज़ करूँगी क्योंकि पुदीना तो हमारे पेट के लिए अच्छा होता है, इसको हमें छानने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको सर्व करूँगी। मैंने बिल्कुल भी आइस का यूज़ नहीं किया है क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोग ठंडा एकदम अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको ऐसे ही प्लेन वाटर के साथ सर्व करूँगी। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कि आपको ये सिंपल रेसिपी कैसी लगी, आप लोगों ने मेरी रेसिपी को फॉलो किया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।